हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमनदीप कौर एंड वेलकम बैक टू द चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो मेरे पास आयोटा होता है ना, उसे मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देती हूँ। कि रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा। अगर मान लो मेरे पास जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मेरे पास z का कॉन्जुगेट, उसे मैं z के ऊपर ये बार से डिनोट करती हूँ, उसे बोलती हूँ z कॉन्जुगेट। तो मेरे पास क्या होएगा, x माइनस आयोटा वाई, ये हो गया z का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल करूँ, z मेरे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होएगा मेरे पास, 3 माइनस 4 आयोटा। और अगर z है माइनस 1 माइनस 5 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होएगा, माइनस 1 प्लस 5 आयोटा। बेसिकली मैंने आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, वो हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो मान लीजिए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं z को z के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2x, विच इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। और इसे मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ कि अगर मैं x प्लस आयोटा वाई z है मेरे पास, और z का कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा वाई, तो माइनस आयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट ओनली विद 2x। और x जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z है। दैट मीन्स अगर z में हम z के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आता है। नेक्स्ट है, अगर मैं z में उसका कॉन्जुगेट माइनस करूं, तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई। x के साथ x कैंसिल, वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 आयोटा वाई। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा मेरे पास। कि अगर मैं z में से z माइनस करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट करूं, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरे पास सॉल्यूशन होएगा। और अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज, तो ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। इसे हम कैसे करेंगे, अब देखिए z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई एंड कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आयोटा वाई है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, बेसिकली x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे को पता है मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं अंडर रूट को रिमूव करूँ, तो मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मेरे पास जेड जो है जेड के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जेड जो है वो क्या है, रियल है, जेड एक रियल नंबर है। और अगर z जो है वो माइनस z कॉन्जुगेट के इक्वल आए, तो ये इम्प्लाई करेगा कि z जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z जो है प्योरली इमेजिनरी है। और अगर मैं z1 प्लस z2 का पूरे का कॉन्जुगेट लूँ, तो वो इक्वल होएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। और नेक्स्ट इज z1 माइनस z2 का जो कॉन्जुगेट है, वो भी इक्वल होएगा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं z1 बाय z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट है, ये जो है z1 के कॉन्जुगेट ओवर z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। नेक्स्ट, अगर z1 का जो कॉन्जुगेट है, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट कर दूं फिर से, तो वो z1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है,
अगर मेरे पास z1 और z2 का कॉन्जुगेट है तो z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। नेक्स्ट मेरे पास है z कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल्स होएगा मॉडुलस ऑफ z, कि मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट जो है वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होएगा। नेक्स्ट है मेरे पास रिमार्क। फर्स्ट है इफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन z कॉन्जुगेट विल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, कि अगर मेरा z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो z कॉन्जुगेट जो है वो फोर्थ में लाई करेगा, और या फिर अगर मेरा फोर्थ अगर मेरे पास जो z है वो फोर्थ में लाई कर रहा है तो z कॉन्जुगेट फर्स्ट में लाई करेगा। सेकेंड है मेरे पास इफ z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन जो मेरे पास z कॉन्जुगेट है विल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा, कि अगर मेरे पास जो है इफ z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट देन z कॉन्जुगेट विल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसका उल्टा भी सही है कि अगर z मेरा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो z कॉन्जुगेट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक कॉमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।